नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज हम फिर से स्कॉर्पियो जुडैक साइन के बारे में बात करेंगे। प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट स्कॉर्पियो जुडैक साइन के बारे में क्या कहती है, मैं बता दूं। मित्रों, स्कॉर्पियो जुडैक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है। इसका कंट्रोलिंग प्लैनेट मंगल यानी कि मार्स हैं। स्कॉर्पियंस के पास बहुत स्ट्रांग विल पावर होता है। ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और कैपेसिटी और करेज की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। इनका मन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहता है बहुत चंचल होता है। दूसरों की ओर वे अट्रैक्ट आकर्षित हो जाते हैं और प्यार इनके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिस्पेंसेबल रोल प्ले करता है। एनर्जी इनके पास बहुत होती है। ये लोग बहुत एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड होते हैं सोशल लाइफ में। स्कॉर्पियो वाले एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट चिंतामणि चमत्कार कहती है कि वे लोग दूसरों की भलाई के लिए बड़े बड़े रिस्क तक लेने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग जीवन में अपनी मेहनत और मशक्कत से मंगल की ऊर्जा के कारण बहुत बड़ा स्टेटस और एमिनेंस प्राप्त करते हैं। फियरलेस होते हैं और एक के बाद एक ऑब्स्टेकल्स जीवन का ये क्लियर करते हैं। मार्स मंगल ग्रह का ब्लेसिंग्स इनके पास होता है। हाई पोजीशन में पहुंचने के बाद तरह तरह की प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कहते हैं कि स्कॉर्पियो बहुत खर्चीले लोग होते हैं। उनके पास पैसा आने पर वे कल के लिए सोचते नहीं कि कल हमारे पास पैसा रहेगा या नहीं। ये बात तो तय है कि टेक्स्ट कहती है कि ये लोग जीवन के एक मकाम में बहुत बड़े पोस्ट, बहुत पैसा, समृद्धि और शोहरत प्राप्त कर लेते हैं। इनके पास शिक्षा का भी, एजुकेशन का भी बहुत पोटेंशियल होता है। काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं एंड किसी के तरफ से भी अनफेयर बिहेवियर को ये लाइक नहीं करते हैं। कैरियर के अंदर और बिजनेस के अंदर इनिशियल डेज में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वे छोटे से नौकरी से अपना कार्य स्टार्ट करते हैं और उसी में मेहनत मशक्कत से बहुत हाई पोस्ट में पहुँच जाते हैं। यदि स्कॉर्पियो बिजनेस भी करता है तो छोटे से बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक बनने की क्षमता इनमें होती है। देश के ऐसे कई नामी, दुनिया के ऐसे कई नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट आज होंगे जिनका जुडैक स्कॉर्पियो होगा। मंगल मार्स का मूवमेंट्स होने के कारण, इम्पैक्ट होने के कारण इनके जीवन में बहुत मेजर अप्स और बहुत मेजर डाउन्स इनके बिजनेस में, इनके कैरियर में और इनके लाइफ में होता है। कई बार ये सब गलतियाँ, अप्स एंड डाउन इनके केयरलेसनेस के कारण होती है। स्ट्रगल करके ही इनको अपना सारे कष्ट को दूर करना पड़ता है। कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, इन सबको स्कॉर्पियो ओवरकम कर जाता है। देखा गया अधिकतर स्कॉर्पियंस जो होते हैं ये एजुकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। ये लोन्स की परवाह नहीं करते। ये खूब पैसा भी अगर कमाएं तो भी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा कमज़ोर रहती है, क्योंकि ये खर्चीले स्वभाव के होते हैं और जल्दी खर्च करने की टेंडेंसी भी रखते हैं।
कहते हैं कि जो लोग टॉरस, कैंसर, विर्गो और पाइसियंस हैं, ये लोग, इनके साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। इनको हमेशा अपने साथ एक टोपास रखना चाहिए, जो इनको काफ़ी लाभ इनके कैरियर के अंदर, इनके बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में अगर स्कॉर्पियो होता है, वो टोपास रखेगा तो जल्दी ग्रो करेगा। साथ में यदि वो मूंगा को भी रखें तो उसे काफ़ी स्टेटस और हॉनर ज़िंदगी में मिलेगा। अगर हम स्कॉर्पियंस के लव और रोमांस और मैरिज की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट कहती है कि लव इनके जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनको लोग लाइक नहीं करते तो वो वहाँ रहना पसंद नहीं करते। स्कॉर्पियंस कहते हैं कि ओल्ड एज में भी रोमांटिक रहते हैं, ये प्यार मोहब्बत में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, ये किसी की भी ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, ये एक जेंडर्स एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट अट्रैक्ट, आकर्षित हो जाती है। ये स्कॉर्पियंस का एक सबसे बड़ी विशेषता है। परंतु ये लोग अपनी डिग्निटी जीवन भर रखते हैं। कहते हैं जो स्कॉर्पियन वुमेन होती है वो बहुत क्लेवर और हैंडसम होती है। दे डोंट बॉदर अबाउट रूल्स मच। वे समाज के नियम कानून के विरुद्ध भी आवाज़ उठाते हैं। मोटे तौर पर टेक्स्ट यही कहती है कि अगर स्कॉर्पियंस जो हैं वो कैंसर, टॉरस और पाइसियंस के साथ शादी करते हैं या लव मैरिज करते हैं या फ्रेंडशिप होती है, तो ये बहुत अच्छी निभेगी। दूसरे जोड़ैक के साथ वो इतनी अच्छी नहीं निभेगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को देखते रहिएगा। बाय।